जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन लर्निंग एजुकेशन। आज हम लोग पर्यावरण के महत्वपूर्ण चीज को लेकर हैं, जहाँ पर आज के जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर है पर्यावरण का संगठन। और प्राय परीक्षा में पूछा जाता है पर्यावरण के संगठन से लेकर कि यह संगठन कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ऐसे कई प्रश्न जो है हमारे परीक्षाओं में प्राय पूछे जाते हैं, पूछे जाने का दौर भी चल रहा है। तो आज हम लोग इलेनिक दुर्गेश पर इस महत्वपूर्ण तथ्य को, पर्यावरण की जो सीरीज है, इसे अच्छी तरह से पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे, जहाँ से प्राय परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो चलिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। पर्यावरण की ब्रह्मास्त्र अब की बार यूपीटेट पार्ट, यह जो सीरीज है एनसीईआरटी और अन्य कई भर्ती परीक्षाओं से संबंधित है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब हम प्रश्नों की सीरीज हल कराएंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण की पॉइंट होगा, उसे आप कॉपी कलम पर लिखते चलिएगा, और ताकि आपके एक बेहतर नोट्स भी तैयार हो जाए और आपके एक एक टॉपिक तैयार हो जाए। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कि पर्यावरण का प्रमुख संगठन क्या है, और यह सीरीज यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट, केवीएस, डीएसएसबी, रीट और उसके साथ साथ लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, अन्य सिविल भर्ती परीक्षाओं के लिए जहां पर भी पर्यावरण से प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए भैया, बिना देरी के अब हमें अपनी क्लास की शुरुआत करनी चाहिए। और पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है कि ग्लोब 500 पुरस्कार कहां प्रदान किए जाते हैं। जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि ग्लोब 500 पुरस्कार कहां दिए जाते हैं। फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट बताएं, जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट करके। नहीं बताएंगे? चलिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो भैया हम ही बताते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब आपको सीरीज पढ़नी है भैया आपको अपना बेहतर भी देना होगा, और बेहतर तभी दे पाएंगे जब आपको कुछ नया करना पड़ेगा। जल्दी से बताइए, चलिए, अगर आप नहीं दे पाएंगे तो हम आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से तथ्यों को समझा दे, तथ्यों को बता दे। यहाँ पर हमने ये देखा कि देखिए, आप लोगों ने सही उत्तर बताया, कुछ लोग कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण पर, कुछ लोग अलग अलग तथ्य से बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये जानना होगा या आपको ये समझना होगा भली भांति कि जो ये ग्लोबल 500 है, ठीक है, ग्लोब 500 यानी जनसंख्या नियंत्रण के लिए नहीं है, यह आतंकवाद के अभियान नहीं है, ये पर्यावरण के प्रतिरक्षा के लिए। जी हाँ, आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इस प्रश्न का सही भी जवाब दिया है। मतलब ये जो आपकी ग्लोब 500 है, इसका क्या है, सी इसका सही जवाब है। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी है, उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। एक यूनिक प्रश्न है जो प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। आप इस प्रश्न की चाहे तो स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, चाहे तो आप ये प्रश्न याद रखेंगे कि भारत में वन संरक्षण, जी हां, आपने एकदम सही सुना कि भारत में वन संरक्षण कहां पर है और ये कब पारित किया गया। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, भारत में वन्य जीव संस्थान है, और भारत में वन्य जीव बोर्ड है, वन प्रबंधन संस्थान है, तो ऐसे कई संस्थान हैं, लेकिन यहाँ पर आपको है भारत में वन संरक्षण। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें और बताएं कि जो भारत में वन संरक्षण है वो कब आया है और इसका उद्देश्य क्या था। इसके बारे में जो बातें आप जानते होंगे उन सभी तथ्यों को हमें स्पष्ट करेंगे और आप हमें बताएंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी जवाब भी देते रहेंगे। देखिए, अगर हम भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करें तो मैं यहाँ पर एक की पॉइंट लिखवा दूँ कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, इसे हम भारतीय वन सर्वेक्षण या पर्यावरण के नाम से जानते हैं। ये वन एवं जलवायु के परिवर्तन से भारत में एक संगठित है, ये वन संसाधन का मूल्यांकन करता है। अगर अगर हम स्थापना देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1981 को हुई थी। कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लिखिएगा, देहरादून। ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय है देहरादून। ध्यान दीजिएगा, देहरादून इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, देहरादून में। और भारतीय वन सर्वेक्षण, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ है, ये भारतीय वन सर्वेक्षण की बात हो रही है, इसका ध्यान दीजिएगा भी एक बार, ये है भारतीय वन सर्वेक्षण। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वन सर्वेक्षण, लेकिन यहाँ पर भारत में वन संरक्षण की बात कहा गया। तो जो भारत में वन संरक्षण है, तो जरा कमेंट करके बताएं यह कब है और इसकी स्थापना कब की गई। तो यहाँ पर आप लोगों ने एकदम सही बताया है कि जो भारतीय वन संरक्षण है वह, इसकी स्थापना 1980 में की गई। ध्यान दीजिएगा, यह
अलग है और यह अलग है। कुछ लोग भारतीय वन सर्वेक्षण को संरक्षण अलग है, सर्वेक्षण अलग है, इसलिए यहाँ पे तथ्य को जानते रहिएगा। और ये 1981 में है और यह जो है वो कब है आपका, ये 1980 में है, इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आप गलती करते हैं, इसलिए मैंने दोनों तथ्य को लिखवा दिया। वन संरक्षण 1980 में है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको हर तथ्यों से समझाना, हर तथ्यों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये मेरा पहला उद्देश्य है। क्लियर, कोई डाउट कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे, वीडियो को शेयर जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिएगा। अंतर मैंने बता दिया, यह 1980 में है और यह 1981 में हेडक्वार्टर, इसे भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं और इसे शॉर्टकट में FSI कहते हैं, ठीक, यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वन अनुसंधान संस्था कहां पर है, वन अनुसंधान संस्था कहां पर है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे कि भारत में वन अनुसंधान संस्था कहां पर है। जी हां, वन अनुसंधान संस्था की बात की जा रही है, मैं उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, बताइए सभी लोग फटाफट। देखिए अगर वन अनुसंधान की बात करें तो इसका उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया है, क्या है, देहरादून है, लेकिन यहाँ पर नागपुर भी दिया है, तो भैया नागपुर में क्या है कोई बता सकता है? अनारकुलम, मैसूर, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर बंजर वन पूछा, अगर यहाँ पे वन की जगह यहाँ बंजर लग गया था, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे बंजर वन अनुसंधान पूछता तब जोधपुर, अगर बंजर, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से लिख लीजिएगा, बंजर वन अनुसंधान संस्थान, पूरा लिख दूं, रुक जाइए, अनुसंधान संस्थान, अगर ये पूछता तब इसका कहाँ पर होता, तब ये जोधपुर होता, क्या होता, तब ये जोधपुर होता, लिख लेना चाहे लिख लें, तब ये जोधपुर होता, कहाँ पे होता, तब ये हमारा जोधपुर होता। लेकिन वर्षा वन पूछ देता, ध्यान दीजिएगा, अगर वर्षा वन अनुसंधान संस्थान पूछ देता तब ये कहाँ होता, तब ये जोरहाट में होता, कहाँ पे होता, जोरहाट, लिख लीजिएगा, तब ये हमारा जोरहाट में होता, कहाँ पे होता, तब ये जोरहाट में होता, ठीक। अगर यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन संस्थान पूछ देता, जैसे यहाँ पे पूछ देता उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान पूछ देता, तब क्या होता, तब आपका ये जबलपुर होता, तब आपका क्या होता, जबलपुर होता, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। अच्छा बहुत है, अगर हिमालय वन अनुसंधान केंद्र पूछता शिमला में है, अगर हिमालय पूछ देता हिमालयन वन अनुसंधान संस्था पूछता तब कहाँ होता, बताइए, हिमालय अगर पूछता तब ये रांची होता, तब क्या होता, रांची। तो ऐसे प्रश्न आपको तैयार करने होंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न प्रायः परीक्षा में आते, मिलते जुलते, अगर थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है तो हम प्रायः गलती कर जाते हैं, कहते हैं सर ये हमने पढ़ा ही नहीं था, इसके बारे में सर जानते ही नहीं है। तो ऐसे लिए आप लोग के सारी चीज़ें जानना पड़ेगा और इस तथ्य को भी हमें समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको संपूर्ण व्याख्या करके पढ़ा रहा हूं। और ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश की फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव चलती है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, इसलिए आप वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, आप डिस्प्ले पे देखिए, लेखपाल के ऑनलाइन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, इस समय 1000 रुपये चल रहा है 15 तारीख तक, 80% डिस्काउंट, और जिसमें आपको वीडियो क्लास लाइव लेक्चर सभी मिलेगा, और ये क्लास जौनपुर चलते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, वान सम्मेलन क्या, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि जो वान सम्मेलन है ये क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वान सम्मेलन क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। और ऐसे प्रश्न प्राय परीक्षा में आते हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, KBS, DSSB, चाहे हम लेखपाल की बात करें, चाहे सुपर दरोगा की बात करें, या अच्छा सिविल सर्विस की बात करें, ऐसे प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वान सम्मेलन क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताइए ये वान सम्मेलन क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि वान सम्मेलन का संबंध किससे है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जल्दी जल्दी लोग बताएं, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग बताएं ये वान सम्मेलन क्या है। सभी लोग देखिए जवाब सभी दिया करिए, चाहे गलत हो चाहे सही, नहीं बताएंगे आप लोग, चलिए मैं ही देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो भाई मेरा दायित्व बताना। देखिए अगर वान सम्मेलन की बात,
अगर हम यहाँ पे बांध सम्मेलन की बात करें, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के अंतर्गत लुप्त प्रजाति खोज ये इसका काम नहीं है, वन जो शिकार कर गया ये भी नहीं देता, इसलिए ये हो ही नहीं सकता। इसका उत्तर क्या होगा? ए। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, ये प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की अंतर सरकारी संधि है। प्रवासी प्रजातियों के बारे में जैसे काटा जोना है प्रोटोकॉल, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा काटा जोना प्रोटोकॉल, जैसे मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, जैसे यहाँ पे ये इंडिया है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पे ये भारत है, माना ये हमारा भारत है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे कोई केले का पेड़ है, यहाँ पे एक केले के पेड़ में 100 केला होता है, ठीक है। हमारे यहाँ एक केले के पेड़ में अगर 30 केला लगता है, हम अगर यहाँ का केला का पेड़ अगर भारत में लगाएंगे तो कौन सा 100 केला वाला 30 केला वाला, हम 100 केला वाला लगाएंगे तो 30 केला वाला प्राय विलुप्त हो जाएगा। इसलिए हम प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की अंतर सरकारी संधि करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल दे दिए कि काटा जोना प्रोटोकॉल इसका एक एग्जाम्पल है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है? सभी लोग फटाफट करिएगा, यहाँ पे वन्य जीव की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वन्य जीव की बात हो रही है। चलिए इसके बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से बता दूं कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पर है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए यहां पे दीजिएगा भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पर है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करिए कहां पर है। देखिए इसके बारे में आपको अच्छी तरह से व्याख्या कर दे रहा हूँ। ये जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है ये कहाँ पर है, इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो 1982 में हुआ था। एक प्रश्न आपका तैयार, वन्यजीव के बारे में नीति निर्धारण करना, उनकी सुरक्षा संरक्षण का वैज्ञानिक अध्ययन इसके अंतर्गत होता। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए, संस्थान पूछा जाए तो देहरादून में, कहाँ पर है, देहरादून में है। इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1982 है। स्थापना वर्ष क्या है? 1982 है। क्लियर, क्लियर हुआ यार? आप लोग देखिए जिन लोग लाइव है वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो पहला काम शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हम बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून का स्थापना कब हुई थी? सभी लोग फटाफट कमेंट करें क्योंकि मैंने ये बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि अब इस प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पे भारतीय वन्य जीव बोर्ड पूछता है, भारतीय वन्य जीव संस्थान है, अगर यह सेम लाइन होती भारतीय वन्य जीव संस्थान की जगह, ध्यान दीजिएगा, अगर बोर्ड होता तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। लेकिन यहाँ पे भारतीय वन्यजीव संस्थान पूछ रहा है, तो संस्थान जो है वो 82 में है और इसका मुख्यालय कहाँ पर, देहरादून। ये दोनों बातें आप जानते रहिए। अगर पूछ दिया कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड कहाँ पर है, जहाँ पे बोर्ड कहेगा तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। मैं प्रश्न के अलावा इतर प्रश्न भी आपका तैयार करा देता हूँ, ताकि भविष्य में अगर आ जाए कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है तो ये मत कहिएगा सर कौन होता है, तो हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम कब स्थापित हुआ? एकदम आराम से बताइएगा, एकदम हलवा प्रश्न है, ऐसा प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम कब आया, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे बताइए। देखिए अगर हम यहाँ पे पशु हिंसा रोकथाम की बात करें तो कब आया था, जल्दी से फटाफट कमेंट करना है आप लोग को, सभी लोग को कमेंट करके जवाब देना है। सभी साथी जो लोग इस पे लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कब। हिंसा की बात कर रहा, हिंसा ना हो। देखिए ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगर कोई कह दे कि सर हमें नहीं पता है, हमें यह नहीं पढ़े हैं, तो भैया आपको ऐसा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी अगर आपको सलेक्शन लेना है तब, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, गलत है सही आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर होगा 1960, जी हाँ, पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम 1960। तो जितने लोगों ने 1960 बताया था उनका जवाब पूरी तरह से सही है, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा कि पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम 1960 में आया था, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ से, किसी कोई दिक्कत?
चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे गलती हो जाए परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करना। अगला है, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में एनिमल माने पशु वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब दीजिए। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? देखिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देखा जाए तो यह विश्व में अपनी तरह का भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है, जिसकी जो अगर स्थापना की बात करें तो पशुओं पर हिंसा की रोकथाम करना था। हम अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, जैसे मैंने यहाँ पर यह पढ़ा था कि पशु हिंसा रोकथाम, मैं यहाँ पे बता दूँ कि पशु हिंसा जो रोकथाम अधिनियम था ये 1960 में आया। इसका उद्देश्य क्या था? ये भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, लिख लीजिएगा, यही आगे हम लोग को मिलेगा, भारतीय, लिख लीजिएगा, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड था, जिसकी उद्देश्य क्या था? ये था पशु हिंसा की रोकथाम करना। ये कब आया था? 1960 में आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में है, ठीक है। और याद रखिएगा दो बात है, पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम का स्थापना कब हुई थी? 1960 के तहत। किसके तहत हुई थी? 1960 के तहत हुई थी, ध्यान दीजिएगा। कब हुई थी? 1962 में। इसके तहत 1962 में हुई थी, ये दोनों बातें याद रखिएगा। यहाँ पर इस बोर्ड का गठन जो किया था, यहाँ पर इस बोर्ड में 28 सदस्य, कितने? 28 सदस्य, चेन्नई मुख्यालय था, 28 सदस्य, क्लियर। इस बोर्ड में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, एक वन महानिरीक्षक होते हैं, कई चीज होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लोकसभा के 4 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 4 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। इसमें लोकसभा के 4 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी 4 सदस्य होते हैं, क्लियर। इसलिए यहाँ पे जानते रहिएगा इस प्रश्न का। अभी यहाँ पे हमने देखिए पशु रोकथाम बोर्ड, अब हम आए 1960 के तहत 1962 में होता, याद रखिएगा ये तहत है। अधिनियम क्या था? 1960 में अधिनियम आया था, और आया कब? 1962 में। अब इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे क्या होगा? भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड कहाँ पर है? चेन्नई में। ऊपर मैंने आपको बता दिया। देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, वीडियो को शेयर करिए, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचाइए। जितनी मेरी गारंटी है कि आपको पढ़ाने का, उतना आपका भी जिम्मेदारी है, तथ्यों को शेयर करिएगा, अपने पास रखिएगा। मैं आगे बढ़ाऊँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर है, निम्न में से कौन से देश प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कौन सा देश है प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और देखिए वीडियो की जो लिंक होती है वो हमारे टेलीग्राम पे मिलती है क्लास की, जहाँ पे आप दुर्गेश्वर सर्च करके इलेनी विद दुर्गेश पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इलेनी विद दुर्गेश पर, ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे इलेनी विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने सही जवाब दिया, कुछ लोगों ने, अनुप जी ने, यहाँ पे देखिए फ्रांस इसका राइट आंसर है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी क्लास में आप गलती कर दीजिएगा, बाद में गलती भले ना, लेकिन अभी आप लोग को जो भी गलती रहा करे, जो भी समस्या रहा करे, वो आप हमें कमेंट करके बता दिया करिए, ताकि हम आगे आपकी ना गलती हो ना हमारे साथ गलती हो, दोनों लोग को बेहतर करने में काफ़ी योगदान मिले। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर फ्रांस इसका सही जवाब है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। एक KVS के ऑनलाइन क्लास के लिए लेनी भी दुर्गेश तो आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर है। ये क्लासेस जौनपुर जनपद से चलती है लेनी भी दुर्गेश। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक संगठन का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, पूछा जाता है ट्रैफिक, तो कुछ लोग ट्रैफिक का मतलब ये पुलिस वाला समझ लेते हैं। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं, ट्रैफिक जो संगठन है इसका संबंध किससे है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, ट्रैफिक का संबंध किससे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ परीक्षा में कई बार पूछा है, और आज हमें ये देखना है इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कौन देता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और जवाब दें, बताइए सभी लोग। देखिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, इलेनी विद दुर्गेश पर जो आपको क्लास मिलेगी उसमें इसकी 100% गारंटी है कि आपको ये क्लास जो होगी पूरी तरह से NCERT पैटर्न पर होगी, और हम ऐसे प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बताइए ट्रैफिक,
अगर आप नहीं बताएंगे तो भैया हम तो बताएंगे ही, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही पढ़ाना। देखिए ट्रैफिक में याद रखिएगा एक टैरिफ भी होता है, याद रखिए टैरिफ भी होता है, ये टैरिफ होता है, ये इकोनॉमिक है, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। लेकिन जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक ये ईवीएस का क्वेश्चन है, किसका है, ईवीएस का क्वेश्चन। टैरिफ जो है ये टैरिफ ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर होगा जीव तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा। माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उनका जवाब सही है। टैरिफ क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स में है, लेकिन ट्रैफिक ये है ईवीएस का प्रश्न है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे किसी का भी प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा, न किसी ने ऐसे प्रश्न को गलती करना चाहा होगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है जरा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा पीपी वाला ट्रैफिक, चलिए टैरिफ क्या होता है ये जवाब कमेंट में दीजिएगा, टैरिफ क्या है। अभी अगला है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। यार देखिए वही चीज है कि आप लोग जब ऐसे प्रश्न का जवाब नहीं देंगे हमारे पढ़ाने से क्या मतलब। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, अच्छा बताइए विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए इसका उत्तर ए जिनेवा सही है, जिनेवा वाले एकदम सही जवाब है। यहाँ पर विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर, ये तो हो गया जिनेवा में, ये दिवस कब मनाया जाता है जरा कमेंट करके बताएं। विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय हो गया तो ये विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे लेकिन उत्तर तो दे सकते हैं, बताइए। चलिए अभी तक सही जवाब कुछ का आया कुछ का नहीं आया है, एकता जी ने सही बताया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यार देखिए 21 मार्च को क्या है, 22 मार्च को क्या है, 23 मार्च को क्या है, 20 मार्च को क्या है, 20 मार्च को विश्व गौरव दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 23 मार्च को क्या है। यहाँ पे जल है, वन है, गौरैया है, 23 मार्च को क्या, बताइए फटाफट कमेंट करके। मैंने बता दिया ना 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च को क्या है, जरा फटाफट कमेंट करें आप लोग। तो यहाँ पर मौसम एकदम रट्टा मार दीजिए यार, अगर आप इलेनी विद गेस पे पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग इलेनी विद गेस पढ़े तो तथ्य को समझना चाहिए, कोई भी प्रश्न गलत ना हो। 21 मार्च 22 सब मैं क्लियर कर दिया। अब अगर अभी अगर आपको लगे इलेनी विद गेस पर इससे बेहतर कोई पर्यावरण पढ़ा सकता है तो भैया आप जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इतना ज़्यादा तोड़कर पर्यावरण शायद ही कोई पढ़ाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला है UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जी हाँ UNEP इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे, बताइए। फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए UNEP बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। जो इसका अगर गठन देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, इसका फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है प्रोग्राम।
अगर देखा जाए इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है। इसका गठन देखा जाए तो ये 1972 में हुआ था। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी में, नैरोबी में, ये कहाँ पर, ये केन्या में है। इसका जवाब क्या होगा, नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है, केन्या में है। इस पर्यावरणीय कार्यक्रम संगठन के प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा का निर्माण करना हो गया। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस, जो 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसी की देन है। किसकी देन है, UNEP का ही देन है, याद रखिएगा, UNEP का ही देन है, जो प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस पर्यावरण दिवस मनाए जाने की प्रथा 1970 शुरू हुई थी, पहली बार 1974 से मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 से मनाया गया था। ये कॉपी कलम अगर लिए हो तो लिख लीजिएगा, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को 1974 मनाया गया था। और यह कहाँ शुरू हुई है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। अब जरा कमेंट करके बताएं कितने लोग जो लाइव देख रहे हैं उनको ये प्रश्न समझ में नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल तथ्यों को समझाना नहीं है बल्कि आपको सिलेक्शन के नज़दीक लेकर भी चलना है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग तथ्य को समझ भी रहे होंगे और इस वीडियो लिंक को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर भी जरूर कर रहे होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव होती है, ठीक है, प्रत्येक 9:30 ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अभी हम लोगों ने देखा था जिनेवा में। कल्प वृक्ष किस प्रकार का संगठन है, फटाफट कमेंट करिएगा, कल्प वृक्ष किस प्रकार का संगठन है, तो जरा फटाफट कमेंट करके बताइए कि जो कल्प वृक्ष है ये किस प्रकार का संगठन है, फटाफट कमेंट करिए कि ये कल्प वृक्ष किस प्रकार का संगठन है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग जवाब दें जरा, तो देखिए सभी लोग को जवाब देना चाहिए। ये कल्प वृक्ष अगर संगठन की बात, ठीक, सभी लोग फटाफट जरा बताइए क्या है, देखिए अगर ऐसे प्रश्न का जवाब अगर आप दे लेते इसका मतलब यह है कि आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। देखिए कल्प वृक्ष स्वर्ग एक विशेष वृक्ष है, ठीक, या विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अगर आप इसकी बात किया जाए तो जो कल्प वृक्ष होता है इसका उल्लेख हमारे पुराणों मिलता है, ग्रंथों में भी मिलता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को जानना चाहिए कि ये ओलिवी कल्प का वृक्ष होता है, क्या क्या होता है, यहाँ प्लांट जैसा होता है, इसके फायदे बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कैसा संगठन बताइए। देखिए यह एक गैर सरकारी संगठन, ये कैसा है गैर सरकारी संगठन, ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं, ये कैसा है, ये गैर सरकारी संगठन, ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा, कैसा है ये गैर सरकारी संगठन। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, इसके बारे में आप जानते रहिए। कल्प वृक्ष देवलोक का एक वृक्ष है, इसे कल्पद्रु, कल्पतरु, सूरतरु, देवतरु, कल्पलता आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम भी है, लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, इसे कल्प वृक्ष को क्या कहते हैं, कल्पद्रु, कल्पतरु, सूरतरु, देवतरु, कल्पलता आदि के नामों से भी जाना जाता है, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 20 का सही जवाब। अगला है, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें और जवाब दें वीडियो को, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। माना हमारा ये भारत है, काम चलो मैंने भारत बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए।
देखिए हरित गृह कृषि कहां पर हो, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए कमेंट करके। देखिए यहां पर हमने देखा, अगर हम महाराष्ट्र की बात कर, हरियाणा की, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो यहां पर सभी राज्य कहां पे यहां इसी क्षेत्र के दिख रहे हैं ज्यादातर, लेकिन यहां पर इसका जो उत्तर होगा वो यहां पर राज्य है। जरा आप लोग कमेंट करके बताइए यह राज्य यहां पर है तो कौन सा राज्य है, यही इसका उत्तर है। आप लोग मैप जान जाइए, देखिए यहां पर हमारा जो राज्य है उसका नाम है पंजाब। तो पंजाब में हरित गृह कृषि प्रारंभ की गई, ठीक है, क्या होगा पंजाब होगा हरित गृह कृषि, ठीक, पंजाब में। यहां पर हमारा हरियाणा है, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र है, यहाँ पे हमारा अपना प्रदेश है, ठीक। तो ये सारे राज्य को भी अपने मैप में जानना चाहिए, इसका उत्तर क्या होगा, पंजाब इसका सही जवाब। देखिए शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन क्लास के लिए इलेनी भी दुर्गेश पे जुड़े रह सकते हैं आप, जहाँ पर सुपर टेट के लिए ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है, ठीक है, इलेनी भी दुर्गेश पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है CPR एनवायरमेंट सेंटर का स्थापना कहाँ की गई, फटाफट कमेंट करके जवाब दें, CPR एनवायरमेंटल सेंटर का स्थापना कहाँ की गई है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, जवाब दीजिए फटाफट। देखिए CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र है, इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो कहाँ की गई बताइए फटाफट करके। देखिए सभी लोग को जवाब देखिए, प्रश्न गलत हो सही हो जवाब सभी को देना चाहिए, ठीक है, अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर कितना भी अच्छे से पढ़ा लिया जाए क्लियर नहीं होगा। बताइए यार, ये लगता है कि यार आप लोग देखिए हम इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप लोग प्रश्न का जवाब नहीं है। CPR का फुल फॉर्म क्या होगा, एक प्रश्न ये है कि CPR का फुल फॉर्म क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करें बताएं, कमेंट करके CPR का फुल फॉर्म क्या होगा। CPR एनवायरमेंट सेंटर का फुल फॉर्म क्या होगा, देखिए इसका उत्तर तो शायद आप लोग को पता हो या ना हो, लेकिन हाँ हम आपको बता दें, ये चेन्नई में है, कहाँ पर है, चेन्नई, और चेन्नई का नाम अब क्या है, चलिए यहाँ कहाँ है, ये मद्रास में, कहाँ पर है, ये मद्रास में। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1988 क्लियर, कहाँ पर ये 1988 में इसकी स्थापना। CPR का फुल फॉर्म कोई पूछ रहा था तो कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन है, इसका मुख्यालय मद्रास चेन्नई में है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में, वैसे टाइगर रिजर्व में आगे पढ़ना है लेकिन यहाँ पे आप लोग जवाब दे दीजिए, कौन सा मिजोरम में है, कौन सा मिजोरम में है, फटाफट कमेंट करिए। अंजलि, अनूप सिंह, अनूप शुक्ला, ओम प्रकाश, एकता, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शबनम, संज्ञा, आलिया, चलिए यहाँ पर लिखिएगा मेलघाट, बुक्सा, भद्रा, इसका उत्तर सभी ने सही, कुछ लोगों ने बताया दंपा इसका सही जवाब है, ये मिजोरम में, दंपा कहाँ पे है, मिजोरम में है, ठीक है, दंपा कहाँ पे है, मिजोरम में। तो काफ़ी लोगों ने बताया, वाजपेयी, राजपाल, अस्कांत, मुकेश, रीचा, चलिए आप लोग का कंचन, लाल बहादुर, खुशनुमा, रीचा, चलिए दंपा हो गया, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए यह अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, फटाफट कमेंट करके बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा
अंतरराष्ट्रीय संगठन है? फटाफट कमेंट करें। इसको विश्व बैंक, यूनेस्को, क्या होगा बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, डी इसका सही है, डी, क्योंकि इसको विश्व बैंक, यूनेस्को, ये सभी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। स्कोप का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो उन सभी को शायद ये पता होना चाहिए, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, अगर स्कोप की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लॉसेन में। कहाँ पे है लिखना चाहे लिख लीजिएगा, लॉसेन में है। लॉसेन कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है, ये बात आप लोग जानते रहिएगा, ठीक। और ये संबंध इसका किससे? ओलंपिक से, ध्यान दीजिएगा। इसका संबंध किससे है? ओलंपिक से है, ठीक। यह बात आप लोग अच्छी तरह जानते रहे, वरना कहेंगे सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। इसका संबंध ओलंपिक से है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? यूनेस्को कहाँ है? ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। जो साथी लेनी मित्र से जुड़े हैं वो जरूर बताएंगे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? भाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, वाशिंगटन डीसी, यूएसए में, ठीक। अमेरिका की राजधानी है भैया ये, और इसकी अगर स्थापना देखा जाए तो ये 1944 में हुई थी, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए सभी लोग। यार इसकी यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस पेरिस में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। भारत इसका सदस्य कब बना था? एक जरा प्रश्न बताइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो पेरिस फ्रांस में है, एक बात याद रखिएगा आप लोग, भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? तो भारत यूनेस्को का सदस्य 1946 में बना। भारत यूनेस्को का सदस्य 1946 में बना, याद रखिएगा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अंजोले। आंद्रे अंजोले इसके अध्यक्ष हैं। आंद्रे अंजोले इसके अध्यक्ष हैं, क्लियर। तो यहां पर अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। और हो सके वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। मैं आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। मैंने सभी तथ्य को तोड़कर बता दिया। स्कोप लॉसेन स्विट्जरलैंड में, ओलंपिक खेल संबंध है, विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी 1944 में, यूनेस्को पेरिस फ्रांस 1945 में हुआ, भारत इसका तथ्य 1946 में बना। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो स्क्रीनशॉट जरूर कर लें, ऐसे प्रश्न की स्क्रीनशॉट करनी चाहिए आपको, रखनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यह आज का आखिरी प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ठीक है, डेली क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन सभी लोग कर लेंगे, जो भी नए आ रहे हैं। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए, ये सीरीज में आखिरी प्रश्न बात में कौन सी एजेंसी प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके।
बताइए जल्दी जल्दी। बताइए फटाफट कमेंट करके क्या होगा, ये आखिरी प्रश्न है आपका। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर करें ना करें, लाइक करें ना करें, लेकिन तथ्य को जरूर जानते रहिएगा। मैं आपके इसको अच्छे से बताऊंगा, कॉपी कलम लिया तो लिख भी लीजिएगा। इसका उत्तर सभी लोगों ने ज़्यादातर सही बताया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब आइए इसके बारे में हम अन्य तथ्य को जानते हैं। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड का गठन एक संवैधानिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारक एक्ट 1974 के अंतर्गत किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण के अंतर्गत शक्तियां इसमें सौंपी गई थी। तो सारी चीज़ें आप लोग जानते रहिएगा। और केंद्रीय बोर्ड नई दिल्ली स्थित एक स्वचालित प्रबोधन केंद्र पर श्वसन निलंबित व्यक्ति कार्य में होना चाहिए। इसके बारे में बहुत चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी इसका सही जवाब होगा। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है कि वायु गुणवत्ता प्रबोधन और वायु गुणवत्ता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, स्वस्थ जल खेती बाड़ी उद्योग के लिए प्रयोग हेतु वन्य जीव तथा मत्स्य पालन के प्रजनन तथा मानव के अस्तित्व के लिए एक चिरस्थायी जरूरी संसाधन भी इसके अंतर्गत माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत है जो हम लोग को पढ़नी होती है। ठीक है, भारत में सरकार की निर्धारित नीति के बाद प्रदूषण अधिनियम बोर्ड 1974 आता है। जल अधिनियम कब आता है? जल, अगर जल की बात करें 74 में, जल उपकर 77 में, वायु अधिनियम 81 में, तो अलग अलग समय इसका आता है। तो आगे हम लोग इसके तथ्यों को अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्लास प्रतिदिन रात के 9:30 ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। फिर मिलते हैं कल अगले नए टॉपिक के साथ। कल की जो टॉपिक होगी, आज का पर्यावरण संगठन था, कल की जो टॉपिक है वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण। कल का जो टॉपिक है वो है पर्यावरणीय प्रदूषण। तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं कल के टॉपिक में पर्यावरणीय प्रदूषण के साथ। तो चलिए आप लोग तैयार रहिएगा, कल मिलते हैं 9:30। अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, प्रयास कीजिएगा आपकी संख्या काफ़ी बेहतर रहे, ताकि हमें डिफाइन करने में, तथ्यों को समझाने में और खुशी भी मिले, और हमें बेहतर रूप से आप सभी तक पहुँचाते भी रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वीडियो के लास्ट तक बने रहने का धन्यवाद। अच्छा, क्वेश्चन भी पूछ लें। चलिए बताइएगा कि सिगरेट से जो धुआं निकलता है वो कौन सा प्रदूषण होता है? सिगरेट से निकलने वाला धुआं, सिगरेट से जो धुआं निकलता है धुआं वो क्या होता है? जरा फटाफट कमेंट करके बताइएगा। धुआं जो होता है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, धुआं मुख्य प्रदूषक क्या है? देखिए, हाँ, सिगरेट से CO है और बेंजीन होता है। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और बेंजीन भी एक गैस होती है। ठीक है, ग्रीन मफलर क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। ग्रीन मफलर का संबंध किससे होता है? ग्रीन मफलर का संबंध किससे होता है? अनुप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? चलिए, प्राकृतिक प्रदूषक किसे कहा जाता है? जी हाँ, ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से। प्राकृतिक प्रदूषक किसे कहते हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। प्राकृतिक प्रदूषक किसे कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्राकृतिक प्रदूषक, हाँ सुजीत जी आपने सही बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्राकृतिक प्रदूषक के क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी एक प्राकृतिक प्रदूषक का उदाहरण जरूर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, जैविक पदार्थ जब सड़ता है उससे गैस जो निकलता है, भूकंप से ज्वालामुखी विस्फोट को प्राकृतिक प्रदूषक के अंतर्गत रखा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट को किसके अंतर्गत रखा जाता है? प्राकृतिक प्रदूषक के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है,
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं 9:30 बजे इलेनी बुद्ध के साथ, बाय बाय। चलिए ठीक है, चलते हैं।